जहन में एक सवाल आता है, इश्क पर क्यों जवाल आता है। जहन में एक सवाल आता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, इस तरह की ट्रेंडिंग उर्दू पोएट्री वीडियो कैसे बनाएंगे, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इनशूट ऐप के अंदर इस तरह के पोएट्री वीडियो कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं अपने इनशूट ऐप की तरफ। तो सबसे पहले आपने इनशूट ऐप को डाउनलोड कर ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा वीडियो फोटो का ऑप्शन। तो सिंपल आपने वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ आ जाएंगे अपनी गैलरी में से एक वीडियो या फोटो ले लें। तो सिंपल हम आज की वीडियो के अंदर फोटो यूज़ करने वाले हैं। तो ये फोटो ले ली है, उसके बाद आपने यहाँ कन्वे के ऑप्शन पर आना है, जहाँ से टिकटॉक साइज में इसको कर लेना है कन्वर्ट। तो हो गया है, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल हमने इसको खींच कर ले जाना है। तो जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं सिंपल आपने उतने इसकी ड्यूरेशन रख लेनी है। तो सबसे पहले आपने म्यूज़िक ऐड करना है। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपने म्यूज़िक के ऑप्शन पे आना है। यहाँ म्यूज़िक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से वीडियो की एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं। तो ऑडियो हमारी इतनी है तो सिंपल ओके करेंगे तो इसको हम ऑडियो के साथ मिला देते हैं ऐसे कर। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपने लिरिक्स वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इमोजीज ले लेते हैं। तो सिंपल आपने जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपने उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। तो अगर आप भी मेरे जैसा जो उर्दू कीबोर्ड अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह का चाहते हैं, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देखकर इसको इस तरह का खूबसूरत कीबोर्ड को बना लिए अपने मोबाइल फ़ोन का। तो सिंपल उसके बाद हम आ जाते हैं जहाँ मैंने कॉपी कर रखे हुए हैं। तो सिंपल हम जहाँ से इमोजीज ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको आ जाते हैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, और जहाँ से एक फ़ॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, तो जहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लें आप। तो सिंपल हम जहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई किया हुआ है, तो सिंपल आपने ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जितना आप इसको रखना चाहें उतना रख लें ऐसे कर जहाँ रखना चाहें। तो हम इसको जहाँ एक साइड पर ऊपर रख देते हैं, ऊपर की तरफ छोटा इसको और कर देते हैं ऐसे। तो अगर एनिमेशन वगैरह देना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने लूप वाले में से कोई एनिमेशन दे देनी है अगर देना चाहें तो। तो सिंपल हम जहाँ से देख लेते हैं, अगर देना चाहें तो दे ले। तो जहाँ से हम ये दे देते हैं एनिमेशन दे देते हैं, ओके करते हैं, इसको हमने पकड़ना है ऐसे फिंगर की मदद से, इसको ले जाना है अपनी वीडियो के आखिर तक इस तरह से। उसके बाद आपने फिर आना है जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे, अब अपने लिरिक्स ऐड करेंगे। तो सिंपल मैंने लिरिक्स लिख कर रखे हुए हैं, तो सिंपल आपने लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। आपने कलर के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो सिंपल हम आज की वीडियो के अंदर ब्लैक कलर को अप्लाई करने वाले हैं। तो कलर अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने जहाँ 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ से इसका साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे कर। साइज सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप इसको स्पेस भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो सिंपल हमने ये कर दिया, उसके बाद आपने जहाँ आ जाना है, जहाँ से हम एक अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट जे चाहिए तो मैं आपको नीचे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप कहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो और कैसे अपने इनशूट ऐप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर आते हैं, तो जहाँ बॉर्डर के ऑप्शन पे आ जाते हैं, अगर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे। सिंपल हम शेडो के ऑप्शन पे आते हैं, तो शेडो हमने दी हुई है, तो सिंपल हम इसको शेडो ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो सिंपल आप शेडो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने शेडो इसको थोड़ी सी दे देनी है ऐसे। उसके बाद हमने इसको इन एनिमेशन देनी है, सिंपल हम इन एनिमेशन के ऑप्शन पर आ जाते हैं। सिंपल आपको जहाँ एनिमेशन मिल जाती है बहुत ही किस्मों की, तो सिंपल आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से ये वाली अप्लाई कर देते हैं, सेकंड नंबर वाली। उसके बाद आपने आना है ऑटो एनिमेशन के ऑप्शन पे, इसको भी सेकंड नंबर पे अप्लाई करने के बाद इसको फुल कर देना है दोनों को। तो सिंपल आपने इसको फुल कर देना है ऐसे। तो करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको पकड़ लेना है। तो पकड़ लेते हैं ऐसे फिंगर की मदद से, इसको ले जाते हैं अपनी वीडियो के आखिर तक। तो सिंपल हम वीडियो के आखिर तक ले आए हैं इस तरह। उसके बाद आपने इसको प्ले कर सुन लेना है, ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो सिंपल आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो उसके बाद आपने प्ले कर सुन लेना है, तो जहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स आता है, तो सिंपल हमने जहाँ से सेपरेट कर देना है, एडिट के ऑप्शन पर आएंगे, इसको रिमूव कर दें और आगे वाला आपने लिरिक्स पेस्ट कर लेना है।
तो ये आगे वाला लिरिक्स पेस्ट हो गया है। उसके बाद आपने प्ले कर लेना है, जहाँ आता है तो सिंपल आपने यहाँ से सेपरेट करना है, एडिट के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से इसको अप्लाई कर लेना है। तो आपको भी इस तरह की वीडियो और फोटो चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल हम आगे वाला लिरिक्स पेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हमने आगे वाला लिरिक्स पेस्ट कर दिया है, तो ये आप देखें तो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, लिरिक्स हमारे लिख चुके हैं, हम देख सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी आईडी इंस्टाग्राम टिकटॉक आप कोई भी आईडी को अपनी को लगा सकते हैं। सिंपल आपने जहाँ प्लस के अकाउंट पे आना है, जहाँ से आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ले लेनी है। उसके बाद आपने फ़ोन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से माई फ़ोन पे आने के बाद सिंपल आपने जहाँ से कोई अच्छा सा फ़ोन अप्लाई कर लें जो सो आपको अच्छा लगे। तो फ़ोन वगैरह आपको वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आकर फ्री में बहुत ही अच्छे अच्छे ये फ़ोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से कोई अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर से कोई अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं जो सा बहुत ही अच्छा लगे हमारी वीडियो पे। तो सिंपल यहाँ से एक कर लेते हैं, तो जहाँ से ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर ले। तो सिंपल हमारा ऊपर ब्लैक है टेक्स्ट, तो हम इसको भी ब्लैक ही रहने देंगे ऐसे। तो उसके बाद इसको खींचकर आपने ले जाना है अपनी वीडियो के आखिर तक, तो वीडियो के आखिर तक ले आते हैं ऐसे। तो आखिर तक ले आने के बाद आपकी वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।